हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे अपने को फ्रैक्शन दिया हुआ है चैप्टर टू में, क्लास सेवन्थ के आर एस अग्रवाल की बुक में। इसमें एक्सरसाइज टू हम सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में। और आपने पिछले वीडियोज़ देखे ही होंगे, क्लास सिक्स वाले वीडियो आप क्लास सिक्स से पढ़ कर आ रहे हैं, है ना। तो क्लास सिक्स में ही फ्रैक्शन दिया हुआ था, तो वहाँ पर इससे भी डिटेल में दी हुई थी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट दिया हुआ है, बस क्लास सेवन में सेम वही है जो क्लास सिक्स में हमने पढ़ा था। फ्रैक्शन इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ हमारा, ठीक ना। जैसे कि हमने बचपन में प्लस माइनस पढ़ा था, पहले टू डिजिट का, है ना, फिर उसके बाद जब हम बड़े क्लास में जाते थे तो वो फोर डिजिट फाइव डिजिट इस टाइप से हो जाते थे, ठीक है। बस वही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में ये लो चैप्टर समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का। एक्सरसाइज टू में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फ्रैक्शन 5/8 एंड 7/12। एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे जो होता है फ्रैक्शन के उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपेयर करने में। तो कंपेयर करने के लिए देखिए दो मेथड होते हैं, या तो आप नीचे डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, एलसीएम लेकर के, ओके। तो डिनोमिनेटर या तो आप सेम कर दें, देन आप कंपेयर कीजिए, या फिर दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपके पास टू डिजिट्स के नंबर हैं, मतलब टू फ्रैक्शन से ओनली, तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसानी से दोनों कंपेयर कर सकते हैं। बट हम जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास फोर फ्रैक्शन फाइव फ्रैक्शन इस तरीके से आ जाएंगे, वहाँ पे हमको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी। तो अपने को दोनों मेथड जानना जरूरी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी और एक एलसीएम जो मेथड है हमारा, एलसीएम लेकर के जो हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं वो वाला, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ, आप जिसको जो भी आपको ईजी लगे उससे आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट मेथड जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे जब फेयर में सॉल्व करेंगे तो, कि कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देन इस मेथड में होता क्या है कि 5/, ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये ना, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर 5/8 एंड 7/12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इस तरीके से इधर मल्टीप्लाई और इस तरीके से इधर मल्टीप्लाई, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर से। तो हम पहले 5 मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, 5 टू जै 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 वन जै 5 और 1 6 यानी 60 हो गया, 12 5 जै 60। देन हमारा इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो 7 8 जै कितना होता है, 56 होता है। बस आपका आंसर आ गया, कैसे आ गया, देखिए ये जो जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जिसके भी न्यूमरेटर वाले का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी ग्रेटर होगा ना, वो ग्रेटर कहलाएगा, वही फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा। जैसे कि हमने 5 का और 12 का किया, तो न्यूमरेटर किसका यूज़ किया था हमने, इस साइड वाले का किया था, 5/8 का न्यूमरेटर यूज़ किया था हमने। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारा ग्रेटर है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट निकला है वो 60 निकला है, जो कि 56 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख भी दीजिएगा कि 60 इज़ ग्रेटर दैन 56, सो 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। समझ में आया बात को ना, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करने हैं, ओके। चलिए एक और मैं मेथड है जो सेकंड मेथड, उससे भी आपको समझा देता हूँ, ताकि आप फिर हमेशा के लिए आपको जो भी मेथड इजी लगे उसी मेथड को आप हमेशा यूज़ करें। सेकंड मेथड के बारे में मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, अपने को एलसीएम लेना पड़ता है, तो वही हम डायरेक्ट लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है ना, तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे तो एलसीएम लेकर के। तो 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। अगर आप फेयर में सॉल्व करेंगे ना, तो डायरेक्ट वहाँ पे एलसीएम निकाल करके मत दिखाइएगा। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि हाँ एलसीएम निकाल करके दिखाइए, तभी दिखाइएगा, अदरवाइज आप एलसीएम को साइड में बनाइएगा। डायरेक्ट आप इसका एलसीएम का आंसर लिखिए, कितना एलसीएम होता है, ओके। तो ये हो जाएगा 2 4 जै 8 और 2 6 जै 12, फिर 2 से हो रहा है तो 2 2 जै 4, 2 3 जै 6, 2 1 जै 2, ये 3 उतर गया, और लास्ट में 3 1 जै 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हमारा इसका एलसीएम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 3 लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, 2 के 3 टाइम में मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर में हम 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पावर वाला चैप्टर आपने पढ़ा है इस क्लास सिक्स में, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 है, तो 2 के पावर में 3 यानी कि 2 2 जै 4, 4 2 जै 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे हम, तो 8 3 जै हमारा कितना हो जाएगा, 24, यानी कि जो एलसीएम निकला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो 24 निकला, क्लियर। तो एलसीएम इक्वल टू 24 आ गया हमारा आंसर। अब आपको क्या करना है, चेंज द फ्रैक्शन इंटू इक्वावेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि एक स्टेटमेंट छोटा सा आप लिख ही दीजिएगा यहाँ पे। चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको क्या लिखना है, इस तरीके से एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको लिख लेना है कि चेंज द गिवन फ्रैक्शन इंटू इक्वावेलेंट फ्रैक्शन हैविंग 24 एज इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि जो भी एलसीएम निकलेगा उतना ही अपने को उसका डिनोमिनेटर बनाना है, ओके। तो अब ये वाले जो नंबर हमारे फ्रैक्शन जो हैं,
फाइव बाई एट, इसको हमने को डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 24 बनाना है, तो 8 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो हम नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 का, तो ऊपर 5 का भी 3 से मल्टीप्लाई अपने को करना पड़ेगा, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये क्या होगा, 5 3 15 और नीचे 8 3 24, जो कि अपने को बनाना ही था। उसी तरीके से हमारा दूसरा जो फ्रैक्शन है 7 बाई 12, उसको भी हम चेंज कर लेंगे, तो 12 का कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो सर 12 नीचे हम 2 से कर रहे हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी हमको 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 2 14, और नीचे तो 24 ही लाना था अपने को, तो 24 आ गया। अब आपको ये चीज़ हमें, आपको अगर नहीं पता होगा मान लीजिए क्लास सिक्स में, या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है, ठीक है ना, तो जो न्यूमरेटर जिसका भी ग्रेटर होता है ना, वही नंबर वही फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अब दोनों सेम हो गए, अब किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, 5 बाई 8 का है, जिसको हम 15 देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लास्ट में इस तरीके से लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 15 बाई 24 इज ग्रेटर देन 14 बाई 24, सो 5 बाई 8 इज ग्रेटर देन 7 बाई 12। ये दो मेथड हैं मेनली किसको, फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आ जाए ना, तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, और क्वेश्चन नंबर है ना थर्ड जिसमें शायद डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो ही फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए दो ही फ्रैक्शन को आपको जरूरत पड़ रहा है कंपेयर करने का ना, तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके पास दो से ज़्यादा हमारे पास अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आप फिर ये वाला मेथड जो एलसीएम मेथड है, जिसमें हम इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को, वो मेथड यूज़ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये सभी 2 डिजिट से, सॉरी 2 फ्रैक्शन ही थे ओनली, ये वाला भी, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ कीजिए और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको यहाँ पे ये वाला मेथड बता दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही, हमारा न्यूमिनेटर वाला, सॉरी डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के इक्वल करने वाला, तो वही यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी यूज़ होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर का बना करके कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने हैं, जहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेता हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का, और असेंडिंग में करने से मतलब आपको पता ही, सबसे छोटा हुआ सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, और उससे बड़ा उसके बाद, इस तरीके से मतलब छोटे से बड़ा करना है। तो अपने को जानना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है, और जानने का यही तरीका है कंपेयर करके अपने को पता चलेगा कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हमारा देखिए डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के सभी के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और इसे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम जल्दी से एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम ऑफ कौन कौन से डिनोमिनेटर में, 5 10 15 एंड 20, ठीक है। मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल कर भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जिनको बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता, वो एक बार सीख लें देख करके, बाकी एग्जाम्स वगैरह में आपको एलसीएम निकाल कर वहाँ पर नहीं दिखाना है, अगर आपके टीचर्स कहेंगे तभी दिखाइएगा। सभी जो है 5 से हो रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट 5 से ही करेंगे, लास्ट में हमसे वैसे चलिए 2 से हो रहा है दो नंबर, तो हम लोग स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं। ये 5 तो नहीं होगा, यानी 2 5 10 हो जाएगा, 15 उतर जाएगा, और 2 10 20 हो जाएगा 2 से। देन हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये सब तो 5 से हो रहे हैं, ये 3 से भी हो रहा था, और ये जो हमारा 10 है ये 2 से हो रहा है, तो फिर हम 2 से ही करेंगे, 5 का 5 उतरेगा, 15 का 15 उतरेगा, बस 2 5 जाइए हमारा 10 हो जाएगा। अब 3 से हो रहा है, तो 3 से हम करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि छोटे से नंबर से स्टार्ट करना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर आप छोटे से करेंगे तो आगे जाके आपको फिर एक बार बड़ा करना ही पड़ेगा, यानी अगर आप मान लीजिए हमें 5 से स्टार्ट करता है ना डिवाइड देना, तो मेरे को आगे चल करके 2 से करना ही पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पर ही 2 से कर लेता हूँ और 3 से कर लेता हूँ। तो 3 5 15 हो जाएगा ये, और ये 5, ये 5 और ये 5 हमारे उतर गए। ओके, अब 5 के टेबल में तीनों 5 आ जाएंगे हमारे, चारों 5, तो 5 के टेबल हमने पढ़ा, 5 1 5 1 5 1 5 और ये 5 1 5, यानी हमारे जो आ गए हमारे नंबर्स जो आ गए 2 2 3 और 5 आ गए, ठीक है ना, फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, फिर से देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, यानी इन सभी का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। अब वही छोटा सा जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, एक एक स्टेटमेंट लिखने के लिए कि नाउ चेंज ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग 60 एज इट्स डिनोमिनेटर, इस तरीके से सेम यहाँ पे का मतलब स्टेटमेंट लिख लेंगे जब आप फेयर में बनाएंगे। तो मैं यहाँ केवल आपको समझा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाला स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट वाले में बताया था, सेम उसी तरीके से आपको जहाँ जहाँ पर भी आप इक्वल कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस को, वहाँ पर आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है। ओके, मैंने छोटा सा स्टेटमेंट वहाँ पर लिख करके आपके लिए, उस स्टेटमेंट को मैं ही बनाया हूँ थोड़ा छोटा करके, आपके बुक में थोड़ा बड़ा था तो उसको मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, वहाँ से आपको जल्दी से वो स्टेटमेंट याद भी हो जाएगा। ओके, देन अब इसको हमको क्या
क्या करना है, इक्वल करना है, तो 4 बाई 5 को है ना, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इक्वल कीजिएगा, मैं डायरेक्ट इक्वल कर रहा हूँ। 4 बाई 5 को अपने को क्या बनाना है, डिनोमीटर में 60 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 60 है, तो 5 का कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, 60 आ जाए, तो 12 5 जै 60 होता है, इसलिए हम 5 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी अपने को 12 से करना पड़ेगा, तो ये ऊपर में हमारा हो जाएगा 12 4 जा 48 और नीचे 60 ही आएगा अपने को जो लाना था। उसके बाद हमारे पास 7 बाई 10 है, तो 7 बाई 10 का भी हम निकाल देते हैं इसी तरीके से। 10 को 60 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 हमारा 42 हो जाएगा और नीचे तो 60 ही आएगा, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, 11 बाई 15 है, तो 15 को 60 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पर हम 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 11 4 जा 44 हो जाएगा और नीचे 15 4 जा 60 हो जाएगा, क्लियर। और लास्ट हमारे पास 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई देख लेते हैं नीचे कितना का करना पड़ रहा है, उतने से हम ऊपर भी करेंगे, तो 20 है नीचे में, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे तो हमारा 23 जा 60 हो ही जाएगा, ऊपर में 73 जा 56, तो 56 हम लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर। समझ में आया मैंने किस तरीके से किया इसको, तो इस तरीके से आपको ये पूरे डिनोमिनेटर सेम सेम सभी के मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए सबसे ज़्यादा जो है किसका आंसर आ रहा है, हमारा 20 ये वाला आ रहा है ना, 70 बाई 20 का 56 बाई 60 आ रहा है, इसका मतलब कि सबसे जो हमारा ग्रेटर जो है वो यही वाला है, समझ में आया बात ना, यानी कि सबसे ग्रेटर जो फ्रैक्शन ये है, यानी कि अपने को असेंडिंग से लेना है, यानी सबसे छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटे से बड़ा आप एक बार इस तरीके से लिख लीजिएगा कि 42 जो आप निकाले हैं ना, उस आंसर को पहले लिखिएगा कि 42 बाई 60 स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, तो 44 बाई 60 से स्मॉलर है, और ये 44 बाई 60 किससे स्मॉलर है, तो 48 बाई 60 से है, और 48 बाई 60 किससे स्मॉलर है, तो 56 बाई 60 से स्मॉलर है, ओके। और जब आप इस तरीके से लिख लेंगे तो इनका जो भी वैल्यू है हमारे पास वो लिख देना, जैसे 42 बाई 60 का क्या वैल्यू है, 7 बाई 10 है, तो हम इसका मतलब लिखेंगे कि 7 बाई 10 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 44 बाई 60 यानी कि हमारा 11 बाई 15 होगा, ठीक है, 11 बाई 15, उससे बड़ा हमारा 48 बाई 60 यानी कि 4 बाई 5 होगा, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा जो है वो है 56 बाई 60 यानी कि 17 बाई 20। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको एलसीएम निकालने हैं कंपेयर करने के लिए, एलसीएम में जो भी आएगा तो वही वाला आपको डिनोमिनेटर सभी के बना देने हैं। अब डिनोमिनेटर बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, और अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है कि 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो काम ये कि आप ये कर सकते हैं कि 5 को 60 से डिवाइड दे दीजिए, समझ में बात ना, सॉरी 60 को मतलब 5 से डिवाइड दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, इसका मतलब 5 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं करें माइंड कि कितना का मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम के इक्वल हो जाएगा हमारा आंसर डिनोमिनेटर में, तब आप डिवाइड कीजिएगा, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको असेंडिंग के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई थिंक डिसेंडिंग दिया होगा, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि जो बड़ा है उसको सबसे पहले, छोटा को उसके बाद, तो प्रोसेस सेम टू सेम यही है ना, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं होगा, आपको फाइंड इसी तरीके से एलसीएम वगैरह पूरा लेके करना है, बस इसमें बस क्या चेंज हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा उसे सबसे पहले लिखना है, जैसे कि 56 बाई 60 जो हमारा बड़ा है तो उसने लास्ट में लिखा था, तो उसको हमको पहले लिखना है, बस यही चेंज होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब यही होता है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ओके। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो आपसे पक्का है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, और मेरा मकसद यहाँ पे यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि एक एक क्वेश्चन आपको मैं मतलब कि क्या करूँ रटवाऊँ, ऐसा कुछ मेरा इरादा है, बस मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप एग्जाम में खुद से सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, रीनू नाम की जो लड़की है गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी 2/7 पार्ट रीनू को मिलता है एक एप्पल का, वाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट, यानी सोनल को 4/5 पार्ट मिलता है, ठीक है। तो हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड हाउ मच, तो यहाँ पर देखिए रीनू को एप्पल का इतना पार्ट मिलता है और सोनल को एप्पल का इतना पार्ट मिलता है, तो अपने से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके पास ज़्यादा है, ठीक है ना, किसको ज़्यादा मिला एप्पल का और कितना ज़्यादा मिला, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको कंपेयर कर देंगे। चलिए इसके स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं लिख करके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट कहाँ पे है, मैंने आपको हमेशा से जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है तब से आपको समझाया है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही रहता है, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ एप्पल रीनू गॉट, वहाँ पे रीनू गॉट पार्ट ऑफ एप्पल था, तो थोड़ा सेंटेंस नहीं बन रहा था उस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पार्ट ऑफ एप्पल रीनू गॉट, ठीक है, यानी कि रीनू को जो पार्ट मिला एप्पल का, और पार्ट ऑफ एप्पल सोनल गॉट, तो 4/5 पार्ट्स, इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट बना लिया। आपको भी स्टेटमेंट खुद से बनाना है, कभी भी रटना नहीं है,
अब आते हैं हम कि किसको ज़्यादा मिलाइए जाने के लिए करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर लिख लीजिए, कंपेयर दिस पार्ट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम इस पार्ट्स जो दिए हैं अपने को एप्पल्स के उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ओके, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है हमारा आंसर, किसका मतलब ज़्यादा होता है। तो 2/7 है यानी कि है ना, और 4/5 है, तो इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का हो जाएगा जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2/7 और 4/5, तो किसका इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का 5 से होगा और 4 का 7 से होगा। क्लियर, तो हम जल्दी से कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 और 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू हमारा हो जा रहा है कितना, 28, 4 7 जा 28 होता है। इसका मतलब साफ पता चल गया अपने को कि इस साइड वाले को ज़्यादा पार्ट मिला, यानी 4/5 जो है वो ज़्यादा है, और 4/5 किसको मिला है, सोनल को मिला है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि 10 है ना, या फिर सॉरी 10 इज स्मॉलर या फिर 28 इज ग्रेटर देन 10, सो सोनल गॉट मोर पार्ट्स मोर देन क्या, रीनू। ठीक है, यानी रीनू से उन्होंने ज़्यादा पाया। ठीक, तो सोनल गोट मोर पार्ट देन रीनू, इस तरीके से आप छोटा सा स्टेटमेंट लिख लें यहाँ पे। अब कितना ज़्यादा मिला है वो निकालना है अपने को, तो हम वहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन में ही हमारा स्टेटमेंट है वही लिख देते हैं। क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा है, हु गॉट लार्जर पार्ट है ना, तो सोनल गॉट मोर पार्ट यहाँ पे नहीं होगा, लार्जर पार्ट होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना वही लिखा कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में लिखा होता है स्टेटमेंट। तो सोनल गॉट लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल, लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल देन रीनू, इस तरीके से आप लिखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड हाउ मच ये पूछ रहा है अपने से, तो हाउ मच निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, जिसको ज़्यादा मिला है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कितना ज़्यादा मिला है। समझ आया बात ना, यानी जिसको भी ज़्यादा मिला है उसमें से माइनस कर दीजिए, जिसको कम मिला है उसको। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे किसको ज़्यादा मिला है, तो 4/5 - 2/7। ठीक है, अब ये क्या हो गया, माइनस प्लस में आ जा रहा है हमारा जो है फ्रैक्शन, तो हम माइनस प्लस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर डिनोमिनेटर सेम सेम रहता है तो माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर को एक बार लिखना रहता है और न्यूमिनेटर में जो रहते हैं उनको आपस में जो भी हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस करना रहता है। बट अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है देन अपने को क्या करना पड़ता है कि उसका एलसीएम लेकर के उन दोनों को इक्वल बनाना पड़ता है। इक्वल नहीं मतलब, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे आपको जब भी प्लस माइनस करने के लिए है ना फ्रैक्शंस के, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 5 और 7, तो 5 और 7 का जाहिर सी बात है एलसीएम 35 ही होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं है ना, हमने क्लास 6 में पढ़ा था जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपस में है ना, को प्राइम्स, उनका जो एलसीएम होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये दोनों का एलसीएम जो निकलेगा 7 5 जा 35 निकल जाएगा। आप इस वक्त निकाल के भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने थ्योरी यहाँ पे पुट किया, थ्योरी यूज़ किया और हमारे आंसर आ गया कि एलसीएम जो होगा 35 होगा। आप एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एलसीएम जब 35 हुआ ना, तब इसको करना क्या रहता है, देखिए नीचे लिख दीजिए 35, जो भी एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखिए। अब जो आंसर आया है उससे नीचे डिनोमिनेटर वाले को डिवाइड कीजिए और जो फिर आंसर आया उससे ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जो एलसीएम है इससे 5 को डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा आंसर, 7 आएगा, और उस 7 का ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको। समझ में आया बात, तो यहाँ पे इसको हमने डिवाइड दिया 35 को 5 से, तो हमारा 7 आ गया और 7 4 जा 28 हो गया, तो यहाँ पे हम 28 लिखेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस साइन लगा दीजिए। अब इस 35 को डिवाइड दीजिए 7 से, तो 7 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा हमारा आंसर, और उस 5 जो आंसर आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर न्यूमरेटर से, तो 5 2 जो हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। समझ में आया क्या करना है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, जो एलसीएम है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड दीजिए और जो भी आंसर है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर, तो चलिए अब आगे बना लेते हैं हम। अभी 35 नीचे है उसको 35 ही रहने देते हैं, ऊपर में हमारे पास क्या है 28 - 10 यानी कि 18, यानी कि 18/35 पार्ट्स उसको ज़्यादा मिला है। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, चलिए मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। अगर आप इतना भी लिखेंगे आंसर तो भी सही है, आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी सही है आपका आंसर। ओके, वैसे यहाँ पे अपने को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है दिख ही रहा है अपने को, न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यानी कि दोनों क्या में है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना उसको अपने को लिखना पड़ता है। क्लियर, तो यहाँ पर अपने को इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना ही पार्ट 18/35 पार्ट्स ज़्यादा मिला किसको, सोनल को। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सोनल गॉट
18 बाई 35 पार्ट मोर देन रीनू। इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट छोटा सा यहाँ पे लिख देंगे कि सोनल गॉड 18 बाई 35 पार्ट्स मोर देन रीनू। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर समझ में आया बात ना, किस तरीके से फाइंड करना था स्टेटमेंट से, इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पे अपने को फाइंड द सम करना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा फाइंड द सम, तो यहाँ नॉर्मल फाइंड करना है। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर सेम रहे ना तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखिएगा आप, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। डिनोमिनेटर सेम है तो एक 9 लिखिएगा यहाँ पे, 2 9 है तो, और ऊपर 5 + 3 कर दीजिएगा, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 8/9। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो। वैसे तो ये एक ही सेम एक ही क्वेश्चन है, बस एक यहाँ डिफरेंस में भी सेम उसी टाइप से डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ भी आप नीचे 7 लिखिएगा, ऊपर 5 - 2 कीजिएगा, तो आपका 3/7 आंसर आ जाएगा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तब क्या करना है अपने को, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिया था ना एलसीएम वाला, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ भी लेना है। ओके, तो ये देखिए 2 डिजिट्स वाले हैं, नॉर्मल हैं, तो इनको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड हैं मिक्स फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो ईजिली आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है ना, और ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, 5 नंबर वाला। अपने पिछले साल पढ़ा था कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। अगर आप भूल गए तो एक बार मैं आपको रिवाइज दिला दूं कि इस तरीके से जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे दिखाता हूँ आपको मैं सॉल्व करके, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 = 15 हो जाएगा, 15 में 4 प्लस कर दीजिए, तो 15 और 4 = 19 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19/5। यानी इसी को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया है, ठीक ना, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 3 और 4/5 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, बस वो मिक्स में था उसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। क्लियर, उसी तरीके से इन सभी को अपने को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। जब तक हम इम्प्रॉपर में चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा एडिशन वो नहीं हो पाएगा सही से। तो ये हो जाएगा 10 2 जो हमारा 20, 20 और 3 हो गया हमारा 23, तो 23/10 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 15 1 = 15 और 1 उसमें ऐड कर देंगे तो 16, तो ये हो जाएगा 16/15। समझ में आया बात ना, डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही लिखना है अपने को, बस न्यूमरेटर हमारा चेंज हो जाता है इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए। फिर मैं अभी जरूरत पड़ेगा आगे ना तो मैं आपको इम्प्रॉपर से इस तरीके से मिक्स में कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। वो आगे हमको आगे क्वेश्चन नंबर 8 9 जो है हमारे, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे आपको इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करना सिखाऊंगा अगर आप भूल गए होंगे तो। तो ये हो गया हमारा एक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है ना, फ्रैक्शन ये है, एक ये है और ये एक है, इन तीनों का बस में ऐड करना है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, ऐड करने के लिए अपने को अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में अगर सेम नहीं है तो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5 का 10 का और 15 का, मुझे दिख ही रहा है 5 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के में भी 30 आता है और 15 के में भी 30 आता है, तो ये 13 का एलसीएम होगा। आपको मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ, तो एलसीएम ऑफ 5, 10 and 15 इज इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, 5, 10 और 15 30 आएगा, देख लीजिए कन्फर्म, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15 हो गया, ये 2 बज गया और ये 3 बज गया, तो 2 1 = 2 हो जाएगा, 1 2 3 जाएगा और ये 3 उतर जाएगा, और यहाँ पे 3 1 = 3 हो जाएगा और ये 1 1 उतर जाएंगे। यानी हमारे पास क्या बन गया, 5 × 2 × 3 बन गया, 5 × 2 × 3, और इसका आंसर कितना आएगा, 5 2 = 10, 10 3 = 30। मैंने बताया ना एलसीएम का, मैंने आपके लिए डिटेल में क्लास 6 में आपको मैंने समझाया था, चैप्टर 2 था आई थिंक, कि एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो तीनों में आए, यानी कि 5 का टेबल भी पढ़ें तो वो नंबर आए, 10 के नंबर टेबल में भी वो नंबर आए और 15 में भी आए, और सबसे छोटा नंबर आए। जैसे कि 15 के टेबल में हमारा 60 तो आता है ना, 10 के टेबल में भी 60 आता है, 5 के टेबल में भी 60 आता है, लेकिन वो बड़ा हो जा रहा है, उससे पहले भी एक नंबर है 30 जो तीनों के टेबल में आता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि एलसीएम जो होगा 30 होगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना बहुत बार तो आपसे भी ये बनने लगेगा। क्लियर, तो एलसीएम आ गया हमारा 30, तो अपने को क्या करना है, इनको चेंज कर देना, मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यहीं पर हो जाएगा इजिली सॉल्व। 30 है तो अपने को पता है क्या करना है, नीचे सभी के बदले में 30 लिख देना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन लास्ट वाले 4 वाले में किया था, नीचे अपने को 30 लिखना है। अब जो एलसीएम आया है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड दीजिए, तो 5 को डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 6 = 30 होता है, तो हम जब इसको 30 से मतलब 5 से डिवाइड देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का ऊपर 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 114, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो 6 आया और 6 ओवर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 19 से, तो 114 आ गया, क्योंकि 19 6 = 114 होता है।
क्लियर। उसी तरीके से 30 का यहाँ 10 से डिवाइड दीजिए तो आ जाएगा हमारा आंसर 3, और उस 3 का ऊपर 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 23 का हम लोग 3 से यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, जो भी साइन रहता है ना वही साइन यहाँ पे लगता है, और कुछ अलग से साइन आपको नहीं लगाना। बस बाकी जो हम लोग चेंज कर रहे हैं और जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसको आप या तो रफली कीजिए या फिर आप उसको अपने माइंड में कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ, 30 से 10 को डिवाइड किए तो 3 आ गया, 3 से जब हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 69 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 23 को। ओके, उसी तरीके से आप 30 को 15 से डिवाइड दीजिए तो आ जाएगा आंसर 2, और उस 2 का ऊपर 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 2 जा 32, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 32। समझ में आया किस तरीके से करना है? डिनोमिनेटर यानी जो एलसीएम आया है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, और ऊपर वाले नंबर से जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो हमारे इस तरीके से आ गया नंबर। अब इसको जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 और 9 11, 11 और 5 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, 4 और 6 हमारा हो गया 10, 10 और 1 11 का 1, कैरी हो गया फिर से 1, तो 1 1 2 यानी 215 आ गया, और डिनोमिनेटर में 30 है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 और 9 है ना, 2 और 9 हमारा हो गया 11, और 4 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 एंड 1 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1, कैरी हो गया 1, और 1 1 2 यानी 215 आएगा हमारा आंसर, यानी 215 में 30। अब देखिए यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया हमारा ना, डिनोमिनेटर छोटा हो जा रहा है, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर हो जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मुझे लगा था यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन जरूरत पड़ रहा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है चलिए मैं वो आपको बताता हूँ जल्दी से। वहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं था तो मैं नेक्स्ट पेज में ले आया हूँ आपको। यहाँ पे 215/30 है तो इसको आपको क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए, यानी 215 को 30 से, तो देखते हैं कितना आता है आंसर। तो ये हो जाएगा 30 और अंदर में 215। ओके, तो अब इसको कीजिए आप 13 के टेबल में, हमारा 22 तो आता नहीं है और 21 भी नहीं आता है, छोटा हो जा रहा है दोनों नंबर, तो हम लोग क्या लेंगे, तीनों नंबर्स को, तीनों प्लेस को हम लोग ले लेंगे। तो अब देखिए 30 के टेबल में अब 215 कितने टाइम में आता है, तो थोड़ा सा दिमाग नहीं काम करेगा कि 13 के टेबल में कितना टाइम पड़े, तो आप एक काम कीजिए 3 का टेबल पढ़िए। 3 का टेबल में 21 कितने टाइम पर आता है, 7 टाइम में आता है ना, 3 के टेबल में 21 70 में आता है ना, उसी तरीके से 30 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम में 210 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है तो 30 के टेबल में 210 आ जाएगा 7 टाइम में, तो यहाँ 7 टाइम में 210 ले लेंगे। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके चेक करने से बच सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो अभी आप चेक करते 30 का टेबल लिखते हैं 31 जा 32 जा, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये सब ट्रिक्स हैं छोटे से, इनको आप फॉलो कीजिए और ईजिली आपके एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अब ये देखिए हमारा 15 में से या 10 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5, यानी कि 5 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब ये जो बन गया है ना, इसको एक छोटा सा मेथड है जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, है ना, जो मैंने मेथड मैं आपको क्लासिक से सिखाते हुए आ रहा हूँ, कि क्या कीजिए आप, ये जो सबसे नीचे है इस वाले को मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसको चला दीजिए इस तरीके से। ये मतलब आपको लिखना नहीं है ना, जब आप फेयर में बनाएंगे तो इस तरीके से आपको बताना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना है। ये ट्रिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको, साइन लगाइए डिवाइड का, 5 हमारा यहाँ पे नीचे था ये ऊपर गया है 5 एंटी क्लॉक वाइज चलने के बाद, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, 7 हमारा अभी राइट में था तो एंटी क्लॉक वाइज चलने के बाद लेफ्ट में आ गया, तो 7 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और 30 हमारा अभी इधर था तो ये नीचे आ जा रहा है, तो 30 को यहाँ पर लिख दीजिए। कई बार बच्चे कन्फ्यूज, डिवाइड तो दे देते हैं बच्चे लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको किधर लिखें, किस नंबर को, तो उसके लिए मैं ये ट्रिक बनाया हूँ आपके लिए कि आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए उल्टे घड़ी की दिशा में, और आपका आंसर रेडी है। नीचे वाला नंबर ऊपर, ठीक है, ऊपर जो राइट में नंबर था वो लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में नंबर था वो नीचे आ जाएगा आपका। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में 7 है ना और 5/30 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे अपने को ऐड करना है। इसी तरीके से सेम टू सेम आपको जितने भी क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में धीरे दिखा देता हूँ, ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, अब आप इसको आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए नॉर्मल टर्म में दिया हुआ था, दो ही टर्म है यहाँ पे, यहाँ पे तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि इसको पहले मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो इससे अब आपसे ये वाला समझ में आ जाएगा ये वाला कैसे बनाना है। और यहाँ पे 3 डिजिट से हमारे पास 3 फ्रैक्शन थे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा बेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तब नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करके फिर से वीडियो को देखिए, क्लियरली आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने जैसे आपको सेम बताया ना कि प्रोसेस जो यहाँ पे यूज़ हुआ वही यहाँ पे यूज़ होगा, मैंने आपको एक डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 4 में बताया ही था करके, तो सेम उसी तरीके का प्रोसेस सेम है,
क्लियर। बस यहाँ पे अपने को जैसे हमने लास्ट में यहाँ प्लस का साइन लगाया था ना, कहाँ ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इसमें इसमें हमने ऊपर में जब हमने एलसीएम लिया, नीचे 30 लिखा, और जब हम लोग डिवाइड करके डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में प्लस कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब हम लोग प्लस का साइन लगा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ बस माइनस का साइन लग जाएगा। एक क्वेश्चन में जल्दी से इसका भी आपको बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। जैसे कि मैं आपको इसका ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो आपसे ये वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वैसे सेम वही प्रोसेस है, फिर भी मैं एक माइनस वाला आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो आप शिकायत करेंगे सर आपने माइनस वाला नहीं बताया। देखिए क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है। 10 3 जा 30, 30 और 3 हो जाएगा हमारा 33, तो ऊपर हम लिखेंगे 33, नीचे में 10, ठीक है। माइनस का साइन लगाइए, 15 1 जा 15, ठीक है, और 15 है ना उसमें हम लोग 15 1 जा 15 करेंगे और प्लस कर देंगे 7, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 22, तो 22 बाई ये हो जाएगा हमारा 15, क्लियर। यानी कि इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इम्प्रॉपर में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इनका एलसीएम लेना है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। हमने लास्ट में 5 10 और 15 का 30 निकाला था, यानी कि 10 और 15 का भी 30 होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एलसीएम और 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है पता ही है कि नीचे वाले में पूरा में 30 लिख देना है आपको, इस तरीके से डिनोमिनेटर में आपको 30 लिखना है। न्यूमिनेटर में क्या होगा, 30 का 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब सॉरी 30 का 10 से डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ जाएगा 3, और उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 33 से, तो ठीक 33 का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ओके। माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दे देंगे, फिर से 30 को हम लोग 15 से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, और 2 को जब हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसमें करना है, नीचे वाले से डिवाइड और आंसर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो हमारा कितना आ गया, 99 माइनस 44 बाई 30। माइनस कर देते हैं हम, 9 में से 4 माइनस हो तो 5, 9 में से 4 माइनस हो तो 5, यानी कि 55 बाई 30 हमारा आंसर आ रहा है, क्लियर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी एक तो किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको अब क्या कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको सिखाया था। तो आप डायरेक्ट वैसे तो जब एग्जाम में बनाइएगा ना, तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में करके। मैं आज चूंकि आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ किस तरीके से करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। 30 का टेबल में 55 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम में 60 हो जाता है, जो कि ज़्यादा है, तो हम 1 टाइम यानी कम में 30 ले लेंगे, 31 जा 30, तो बच कितना जाएगा हमारे पास 5, और 2 यानी 25 बच गया। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था ट्रिक क्या है, एंटी क्लॉक वाइज आपको घड़ी चलाना है, यहाँ पे ट्रिक वाला यूज़ कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे फ्रैक्शन का हम डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, 25 नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे 25 लिखा जाएगा, ये 1 लेफ्ट से मतलब राइट से लेफ्ट आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, 30 ऊपर से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी 1 25 बाई 30 इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा। तो जो भी फ्रैक्शन में आपका आंसर दिया होगा या टीचर्स कराएंगे, अगर आपको यहीं तक आंसर लिखने के लिए बोलते हैं तो यहीं तक लिखिए, मिक्स फ्रैक्शन में कहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला चैप्टर। बस एक क्वेश्चन इसमें 7 वाला है, उसको मैं आपको यहीं पर बस ओरली समझा देता हूँ, उसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। जैसे ये 7 वाले में क्या है, सिंप्लीफाई करना है ना, तो बस यहाँ पे अलग अलग चीज़ दे दिया है, एक प्लस दे दिया है, एक माइनस दे दिया है, तो कुछ चेंज नहीं होगा आपका। बस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगा रहे थे ना लास्ट में, यहाँ पर आप जब प्लस आएगा, यानी कि जब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन का, तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे, सॉरी जो भी एलसीएम आएगा उसके नीचे वाले से डिवाइड दीजिएगा, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइएगा, फिर इसके बाद यहाँ डिवाइड दीजिएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइएगा, फिर जो प्लस वाले उनको प्लस कर दीजिएगा, और फिर जो भी माइनस में उसको माइनस कर दीजिएगा। यानी कि मान लीजिए आपका आंसर आ जाता है 40 माइनस 20, सॉरी प्लस 20, क्योंकि प्लस था पहले, और -10, इस तरीके से आ जाता है, तो 40 प्लस 20 यानी 60 माइनस 10, यानी कि 50 बाई जो भी नीचे में एलसीएम आएगा, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस तरीके से जैसे आपने प्लस और माइनस को बनाया वैसे यहाँ भी बनाना है, उसी तरीके से सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन में भी है। हाँ एक चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बताना भूल गया कि सिंपल 7 लिखा है, तो एक्चुअली में वहाँ पे आपको उसको क्या लेना है, 7 बाई 1 लेना है। कभी भी नॉर्मल नंबर अगर लिखा रहता है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ रहता है, उसी तरीके से यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ 8 बाई 1 आपको लेना है। तो इसको आपको इम्प्रॉपर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिएगा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिएगा, और सिंपली जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया था वैसे यहाँ पे आपको -2 नंबर में माइनस कीजिएगा, फिर थर्ड वाले को माइनस कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो इम्प्रॉपर में चेंज कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, फिर ऊपर जब न्यूमरेटर में आप लिखने जाएंगे तो पहले माइनस का साइन लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ मैंने प्लस का लगाया था, और फिर सेकेंड टाइम में प्लस का लगा दीजिएगा, फिर पहले आप माइनस कर दीजिएगा देन प्लस कर दीजिएगा,
क्लियर। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कैसे प्लस माइनस करना है। वैसे तो हमने क्लास सिक्स में ये पढ़ा ही था, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे, उनका मैं आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, स्टेटमेंट लिखने के तरीके, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट लिखना है आपको, और ईजिली स्टेटमेंट आपको वहीं से मिल जाएंगे, कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट छुपे रहते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सो कनेक्ट विथ अस एंड वेटिंग for next video. Thanks for watching.